हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास नाइन्थ का स्प्रिंट बैच। स्प्रिंट बैच का जो मेजर फोकस हमारा रहने वाला है वो होगा एनटीएसी एग्जामिनेशन। और आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, आज का लेक्चर हमारा होगा चैप्टर वन जिसका नाम है नंबर सिस्टम। उसका एक ओवरव्यू होगा कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही इस लेक्चर में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारे को आगे आने वाले लेक्चर्स को अच्छे से देखना है और उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम उठा सकते हैं, और हमारे को कैसे हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं वो सारी चीज़ें भी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है वो हम कोशिश करेंगे कि 10 से 12 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाए। हर एक लेक्चर की जो ड्यूरेशन होगी, टाइम ड्यूरेशन, वो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स टू 1 आवर तक की होगी। कुछ लेक्चर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कम टाइम के हो, कुछ लेक्चर ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ ज़्यादा टाइम के भी हो सकते हैं। टॉपिक का जो वो है, मटेरियल है, वो उस पर ऊपर डिपेंड करेगा, उसके ऊपर कितने अच्छे क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं उसके हिसाब से उसकी टाइम ड्यूरेशन डिसाइड की जाएगी। इसके अलावा इस कोर्स के अंदर हम लोग, हमारा जो मेजर फोकस है वो है कि हम एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको कवर अप करें, यानी एनसीईआरटी के सिलेबस को बेस लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी के सिलेबस के अलावा हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इसी बेच के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आरडी शर्मा के सॉल्यूशंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, यानी हमारे को नंबर्स के बारे में डिटेलिंग में पढ़ना है कि नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। एक्चुअल में ये कहाँ से चीज़ें मैंने लिखी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की बुक का, तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन नाम का कुछ बहुत सारी डिटेलिंग दी हुई होती है, एक तरीके से थ्योरी दी हुई होती है। ज़्यादातर क्या, मैं मेरा मानना है कि 95-99% स्टूडेंट्स उस थ्योरी को नहीं पढ़ते, जो टीचर स्टार्टिंग में पढ़ाता है उसी को पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में वो थ्योरी इसलिए दी जाती है कि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि एक्चुअल में हम इस मैथ को यूज कहाँ करेंगे, डेली लाइफ में यूज कहाँ होगी ये वाली मैथ। इसके साथ ही किसने ये स्टार्ट किया था, सबसे पहले कहाँ से आई, लोगों ने कैसे इसको यहाँ आज जो जहाँ हम चीज़ें पढ़ते हैं, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं क्या शुरू में भी ऐसे ही थी, शुरू से लेके आज तक की जो पूरी एक जर्नी है वो उस जो हमारे उस इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ होता है, थ्योरी होती है, उसमें दी हुई होती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो नहीं पढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस थ्योरी को ज़रूर पढ़िए जिससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें और जानने को मिलेगी। तो उसी थ्योरी में से छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं जो कि आप लोगों को ज़्यादातर जगह पर नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे कि नंबर्स आए क्या, कहाँ से है, डिजिट्स क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। ये आप लोग सारी चीज़ों को लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, जैसे कि 4th, 5th, 6th क्लास में आपने कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा। हम यहाँ पे एक दो इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो चीज़ करके देखेंगे। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स भी आप लोग पढ़ चुके हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। फिर नेचुरल नंबर लाइन क्या होती है, यानी कि नेचुरल नंबर्स को एक लाइन होती है जिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कैसे किया जाएगा वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। फिर नेचुरल नंबर्स को ही हमने और अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से आप लोगों को समझा के इनके ऊपर क्वेश्चंस करवा के पढ़ाने वाला हूँ। इसके साथ ही ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स भी हम लोग नेचुरल नंबर के अंडर में पढ़ेंगे। इसके बाद में होल नंबर्स क्या होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो नंबर्स होते हैं ये होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर लाइन क्या होती है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लाइन बनाई थी, वैसे ही होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है नंबर लाइन पे। फिर हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं,
जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये तो होंगे ही, साथ में नेगेटिव के नंबर्स भी इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं, जैसे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रही है तो भी कोई बात नहीं है, हम लोग जैसे जैसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो हम पूरा डिटेलिंग में इन चीज़ों को अच्छे से वहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर इंटीजर्स के भी चार पांच टाइप्स होते हैं, उनको आप पढ़ेंगे, जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स, ओड इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आप लोगों को क्या होगा, कई बार जब आप लोग आगे की क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को बीच में कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा, तो फिर कन्फ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं ये कहाँ पढ़ा था और क्या था इसके बारे में। इसलिए अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिटेलिंग में इनको पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हमारा जो मेन, जो इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग का जो सबसे मेन टॉपिक है जो दिया हुआ है इस चैप्टर में, वो है हमारा रैशनल नंबर्स क्या होता है। रैशनल नंबर से पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस भी आप लोग सिक्स, सेवन्थ, फिफ्थ क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो वो चीज़ हम देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। अगर आप लोगों ने फ्रैक्शन समझ लिया तो रैशनल नंबर बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर इसके रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, उनको देखेंगे कि भाई रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। फिर हम लोग यहाँ तक आने के बाद में हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो सोल्व कर ले, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस आप लोगों को साथ में करवा दूं और आरडी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर लूं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स, यानी कि दो रैशनल नंबर आप लोगों को दिए हुए होंगे उनके बीच में कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड करने। ये चीज़ भी आप लोगों ने एट्थ क्लास में पढ़ी होगी, एट्थ क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर था उसका लास्ट टॉपिक यही था। इसके बाद में है कि जैसे हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स को क्या किया था, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, सिमिलरली क्या होगा जो रैशनल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हम टॉपिक देखने वाले हैं। इसके बाद में हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिजल्ट या तो होल नंबर आ सकता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या फिर डेसिमल में आता है। अब डेसिमल में भी दो तरीके का नंबर आ सकता है, या तो डेसिमल के कुछ डिजिट्स के बाद में वो नंबर स्टॉप हो जाए, रुक जाए, जैसे 1.25 यानी 255 पे जाके क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो उस वाले डेसिमल को हम पढ़ेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि नंबर रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, जैसे 1.33333 चलता रहेगा, तो ये कैसे पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग इसी में देखेंगे कि जो डेसिमल्स होते हैं उन नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है कि भाई पता नहीं क्या बोल रहा है ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जैसे जैसे एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। एक ओवरव्यू मैंने इसलिए दिया है कि इस चैप्टर में आप लोगों को पहले से पता रहे कि हमें कौन कौन से टॉपिक एक्चुअल में पढ़ने हैं, तो आप लोग जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखते रहो कि भाई ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया, ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। तो जो भी आप कॉपी बनाओगे अपने हैंड रिटन नोट्स के लिए, तो उसमें पहले पेज पे सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू लिख लीजिए, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स हमारे को पढ़ने हैं वो इसमें लिख लो। फिर उसके बाद में क्या करना है कि जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो उस पर टिक लगाते जाओ कि ये टॉपिक हमारा हो गया, ये टॉपिक हो गया हमारा। जब आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, तो आप लोगों को पूरा चैप्टर एक बार रीड करने के बाद में क्या करना है, उस ओवरव्यू को देखना है। ओवरव्यू को जब देखोगे तो आप क्या करो कि ओवरव्यू के अंदर टिक करते जाओ कि भाई ये वाला टॉपिक मेरा बिल्कुल क्लियर है, ये वाला टॉपिक मेरा क्लियर है। किसी टॉपिक में अगर डाउट है तो वहाँ पे मार्किंग कर लो, उसको आप क्या कर सकते हो, हमारे को कमेंट करके बता सकते हो, या अपने स्कूल में या फिर जहाँ भी आप ऑफलाइन कोचिंग वगैरह जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो कि ये वाला टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। इसके साथ ही फिर हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर हमारा खत्म होने के बाद में इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। इसके साथ ही रैशनल नंबर्स को क्या किया जाता है, नंबर लाइन पे कैसे, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सॉरी, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इरेशनल नंबर पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करना का मतलब है कि इरेशनल नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है, यहाँ पे केवल बेसिक होगा। आगे वाली स्लाइड पे मैं और बताऊंगा कि इनके ऊपर क्वेश्चंस और किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। और फिर लास्ट में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा, एक लास्ट नहीं है अभी ये, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर लाइन क्या होती है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे टॉपिक अभी इस चैप्टर में बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, तो एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। तो जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर। इसको अभी छोड़ दो, जब हम करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा क्योंकि क्या मतलब है एक्चुअल में। स्क्वायर रूट आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नाम से पूरा चैप्टर था क्लास 8 के अंदर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इन सबको क्या किया था, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। सिमिलरली रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, फिर रियल नंबर पे कुछ ऑपरेशंस करेंगे। उसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन से सबसे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होने वाला है। ये पूरा एक दो लेक्चर्स के अंदर करने की कोशिश करेंगे, एक में पूरा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, एग्जांपल्स को समझेंगे, एक में केवल हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को लेंगे, जिसके अंदर 25-30 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे सोल्व करके समझाऊंगा मैं। और फिर आप लोग क्या करना, कुछ आप लोगों को DPPs दी जाएगी, उनको आप खुद सोल्व करने की कोशिश करना, उनके सॉल्यूशंस भी हम फिर अलग से एक लेक्चर बना के प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा फिर आप हम लोगों का जो अगला चैप्टर अगला टॉपिक होगा वो होगा एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ये भी आप लोगों ने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के नाम से 7th और 8th क्लास में पढ़ लिया होगा, तो उसी से रिलेटेड है, बस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके कुछ लॉज होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। फिर रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ ए रियल नंबर, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है क्योंकि अभी तक आप लोग जो भी एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे थे वो क्या होते थे, होल नंबर या फिर इंटीजर होते थे, ठीक है, होल नंबर या फिर इंटीजर होते थे, यानी कि डेसिमल वगैरह में इनमें नहीं होते थे, फ्रैक्शन में नहीं होते थे। लेकिन अब क्या होगा, रैशनल एक्सपोनेंट यानी कि पी बाई, उसका किसी भी नंबर है जैसे ए है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो सकता है, पी बाई क्यू टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है 2 की पावर 2/3। तो इनको कैसे सोल्व किया जाता है, इनके साथ कैसे डील किया जाता है, ये होगा। इसके कुछ लॉज है वो पढ़ेंगे हम लोग, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितनी भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हैं उनको सोल्व करेंगे। आप लोगों को हर लेक्चर के बाद में या एक या दो लेक्चर के बाद में एक DPP प्रोवाइड करवा दी जाएगी, उस DPP के सॉल्यूशंस को भी हम देखेंगे। DPP मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इसके अलावा RD शर्मा के सॉल्यूशंस भी हम लोग इसी सीरीज के थ्रू कोशिश करने की, मतलब सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोगों को एक चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया होगा। इसके हिसाब से आप अपने एक नई कॉपी बना लीजिए जिसके अंदर केवल हमारे को मैथमेटिक्स का काम करना है और अदर सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड नहीं करनी है, और अदर प्लेसेस से अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो वो भी नोट नहीं करना है। केवल एक साफ सुथरी कॉपी बना लीजिए जिसमें अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स लिखिए। हैंड रिटन नोट्स लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, इसके अलावा लिखी हुई चीज़ें, खुद के हाथों से लिखी हुई चीज़ें क्या होगी, लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।